तो ये है मिक्स फ्रूट की चॉकलेट टॉफी। तो ये हूँ मैं और ये है महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में मौजूद मेरी छोटी सी दुकान, जो कि सिर्फ मेरी दुकान ही नहीं बल्कि मेरा घर भी है, क्योंकि दिन के 24 घंटों में से मैं 16 घंटे तो इसी में बिताता हूँ। और आज के शोड़े में हम यही जानने वाले कि मैं अपने दुकान में एक दिन में क्या क्या काम करता हूँ। वैसे मेरे दिन की शुरुआत सुबह 6 बजे होती है और उठने के बाद मेरा सबसे पहला काम होता है दुकान की साफ सफाई करना। अब ये सब काम करते समय धीरे धीरे कस्टमर का आना भी शुरू हो जाता है, इसीलिए मैं फटाफट से लग जाता हूँ उनको सामान देने में। और सामान देने के बाद मैं फिर से लग जाता हूँ अपने बाकी कामों में। मेरा अगला काम होता है खरीदे हुए सामान को दुकान में लगाने का। अब कल ही मैंने इतना सारा सामान खरीदा था, तो बारी आती है इसे दुकान में लगाने की। अब जैसा कि ये जीरे के पैकेट खत्म हो चुके थे, इसलिए नए वाले पैकेट को फोड़कर सबसे पहले यहाँ पर अरेंज करना पड़ेगा। चलो अब दोस्तों, मैंने ऊपर की साइड में जीरा तो लेकिन अब किसी भी कस्टमर को देने के लिए हम बार बार ऊपर थोड़ी चढ़ेंगे, इसके लिए हमने एक अलग से सेक्शन बना के रखा है ये वाला। तो यहाँ पर देख सकते हो मैं यहाँ पर जीरो को रखता हूँ। तो चलिए फटाफट से कटे हुए पीसेस को यहाँ पर लगा देते हैं। तो ये आखिरी वाला और ये भी कम्प्लीट हो चुका है, बाकी के मसाले यहाँ पर रहते हैं और जो 10-10 वाले पैकेट होते हैं इसमें। बाकी काम होने के बाद बारी आती है यहाँ की लड़ियों को देखने की। जो लड़ियाँ खत्म हो चुकी है वहाँ पर दोबारा से लगानी पड़ती है। तो चलिए मैं देखता हूँ कौन कौन सी लड़ियाँ खत्म हो चुकी है और उसे दोबारा से लगाता हूँ। तो मैं सबसे पहले दुकान में खत्म हो गई लड़ियों को निकाल लेता हूँ और फिर वहाँ पर नई वाली लड़ियों को लगा देता हूँ। और फिर बारी आती है सामने की चॉकलेट की बर्नियाँ भरने की। यहाँ पर देख सकते हो ज़्यादातर बर्नियाँ आधे से ज़्यादा कम हो चुकी है, इसलिए फटाफट से सारे बर्नियों को भरना पड़े। सारी चॉकलेटें मेरे इस बॉक्स में रखी हुई है, जिसमें कि अलग अलग फ्लेवर की बहुत सारी चॉकलेटें यानी कि टॉफियाँ। तो ये है मिक्स फ्रूट की चॉकलेट टॉफी, इसके बाद ये एप्पल की, कोकोनट, स्मूथ मिल्क, ग्रीन एप्पल, गवा एंड ये मैंगो। ग्रीन एप्पल, कोकोनट और स्मूथ मिल्क। तो अब बारी आती है इस बोरी की, क्योंकि मैंने इस बोरी भरकर सामान लाया था बच्चों के लिए। तो देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें लाई हैं और फिर इन सबको भी अरेंज करना पड़ना अपनी दुकान के अंदर। इस बोरी में था इतना सारा सामान, आप देख ही सकते हो, और इसमें ज़्यादातर चीज़ें ऐसी है जो कि आपने भी बचपन में खाई होगी। वैसे कॉमेंट करके ज़रूर बताना कि आपने इसमें से कौन कौन सी चीज़ें खाई है। तो चलिए फटाफट से इन सबको लगाते हैं अपनी दुकान में। तो इस पैकेट में है गुलाब जामुन, जो कि सिर्फ 1 रुपये बिक्री है। तो चलिए इस जार में भर देते हैं इन सबको। और ये चौथा वाला भर जा, तो चलो ये भी पूरा भर चुका है, तो इसको लगा जाते हैं इसकी। अब ये मिठाई का डब्बा थोड़ा खाली हो चुका था और इसकी मेरे पास एक यानी कि पूरा बड़ा कंटेनर भरा हुआ, तो इसमें से इसमें मिठाई लगा देता हूँ। और सुबह दुकान शुरू होने से शाम तक मेरा यही काम चलता रहता है, क्योंकि दुकान में कस्टमर आते रहते हैं और दुकानदार का यही काम होता है कि दुकान में सामान अरेंज करता रहे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर लेते हैं। तो ये है लॉलीपॉप, इमली का लॉलीपॉप, बहुत ही ज़्यादा बिकता है ये भी। तो चलो इसको भी इस वाली जार में भर देते हैं। अब इसमें सारे ऐसे पैकेट है जो कि मुझे ऊपर की साइड में लटकाने हैं अपनी दुकान। तो ये जो ऊपर वाला सेक्शन है यहाँ पर ये वाले पैकेट आने वाले। तो अब देख सकते हो मैंने ऊपर का सेक्शन पूरा भर दिया है। यहाँ
है दोस्तों, मैंने अभी ये सारी सारी बड़ी यहाँ पर लगा दी है, जिस कारण ये कस्टमर को देखेंगे आसानी से दिख जाती है। तो इसको लगाने के बाद अभी देखते हैं और क्या काम है। तो मैंने ऊपर के साइड में तो लड़ियाँ लगा दी, लेकिन अब बारी थी इन सबको कट करके इस ड्रॉअर में अरेंज करने। और इनको कट करके मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, जिससे कि हम कस्टमर को आसानी से दे सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में इतना ही। आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आएगा। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।